तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेके 1 लाख से 2 लाख तक के गेमिंग एडिटिंग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पीसी बिल्ड के बारे में। और ये जितने पीसी बिल्ड होने वाले हैं DDR5 के साथ में होने वाले हैं, सभी में लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड यूज किए गए हैं। और अभी मैं हूँ इन्फिनिटी गैजेट्स, मेरे साथ में लव भाई। लव भाई कैसे हो? बस एकदम फाइन दीपक भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया लव भाई। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी लेके 20,000 से 1 लाख तक के पीसी बिल्ड के बारे में, तो काफी अच्छी प्राइसिंग आपने दी थी। तो इस वीडियो में कैसी प्राइसिंग मिलने वाली है? ये वीडियो में भी काफी अच्छी प्राइसिंग रहेगी, और लास्ट टाइम का जो वीडियो था उससे काफी कस्टमर्स आए भी थे, काफी प्राइसिंग भी बीटेबल था एज कम्पेयर टू मार्केट, और मीन्स काफी अच्छे दिए थे जिसके कस्टमर काफी अट्रैक्ट भी हुए थे और लेके भी गए थे। ठीक है, तो ये वीडियो में भी कुछ ऐसा ही प्राइसिंग रहेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा और थोड़ा डिसेंट सा प्राइसिंग देने वाला है। वो जो वीडियो में आप बताने वाले हो 100% मिलने वाले है ना? 110% मिलने वाला। लास्ट टाइम भी जिसने परचेस किया वीडियो के थ्रू, आप उनको पूछ सकते हो मिला है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, पर उससे पहले मेरे को आप ये बताइए कि अगर कोई ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी देख रहा है तो वहाँ पे डिलीवरी वगैरह हो जाएगी ना? पक्का ऑल ओवर इंडिया पक्का डिलीवरी हो जाएगी 110%, और करवाई भी है भाई। ठीक है, और EMI और COD का कुछ बताइए मेरे को। EMI तो वही इन मुंबई बजाज के थ्रू ही अवेलेबल है, बाकी COD का लास्ट टाइम मैंने चालू तो करने का किया था, बट कैसा कोई परफेक्ट डिलीवरी पार्टनर नहीं मिला मुझे, वो हिसाब से फिर अभी जम नहीं रहा है, तो हम लोग ने वही मोड रखा है कि भाई ऑनलाइन ट्रांसफर बाद में जो माल रहता है वो पहुंचा देते हैं। ओके, ठीक है। चाहिए तो कुरियर स्लिप पहले एडवांस कर दो, फिर कुरियर स्लिप जब भेज देंगे तब पूरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो भी आप एक बार कॉल पे बात कर लेना। तो अभी हम अपनी प्राइसिंग बारे में बात करते हैं, तो स्टार्टिंग कहां से करने वाले? स्टार्टिंग में करने वाला हूं i5 के बिल्ड से, जो कि दो बिल्ड रखे हैं मैंने हर बार की तरह जो रहते हैं Ryzen वर्सेस Intel, तो ये बार भी एक Intel का बिल्ड है एक Ryzen का। Intel में प्रेफर किया i5 13 जनरेशन K सीरीज, और Ryzen में जो किया है Ryzen 7 7700X 7000 सीरीज के साथ। तो गाइस इस वीडियो की ये एक खास बात है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे पिछली वीडियो में कि भाई सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स की भी प्राइस बताया करो, तो इस वीडियो में हम सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स करके सभी के प्राइसिंग बताएंगे आपको, और बाद में क्या बजट में वो मिल रहा है आपको, क्या बेस्ट ऑफर के साथ में वो मिल रहा है, वो फाइनल प्राइस भी आपको बताएंगे। तो अभी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। प्राइसिंग के बारे में चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करूंगा मैं इंटेल i5 13 जनरेशन के साथ, 13600K प्रोसेसर है, जिसके साथ मदरबोर्ड मैंने चूज किया B760MDS3HAX। ठीक है, तो प्रोसेसर की अगर बात करूं तो मैं ये प्रोसेसर आपको आ जाएगा 29,500 रुपीज में, और मदरबोर्ड की बात करूं तो मदरबोर्ड आपको आ जाएगा 15,000 रुपीज में। ठीक है, इसमें जो रैम मैंने यूज की है ADATA XPG की यूज की है, लेंसर सीरीज 16GB 5200 MHz, दो स्टिक रखी है मैंने, 32GB रैम है। ये पीसी बिल्ड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको इंडिविजुअली लेना है वो भी आप ले सकते हो, इंडिविजुअल एक स्टिक की प्राइस है 4250 रुपीज। ठीक है, SSD जो मैंने यूज की है ADATA XPG की Gen 4 1TB यूज की है, जिसकी प्राइसिंग है 5500 रुपीज। ATX कैबिनेट एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आता है, जो कि 4 फैन है, इसमें 3 RGB है, एक पीछे नॉर्मल फैन लगा हुआ है। ठीक है, ATX कैबिनेट की बात हो गई, अभी एंटी स्पोर्ट्स का कीबोर्ड माउस भी है, गेमिंग कीबोर्ड माउस डाला हुआ है, 240mm का लिक्विड कूलर है जो कि गेम डियास की तरफ से आता है। कैबिनेट की बात करूं तो कैबिनेट की प्राइसिंग है 4000 रुपीज, कीबोर्ड माउस की प्राइसिंग है 1000 रुपीज, लिक्विड कूलर की प्राइसिंग है 5000 रुपीज। ठीक है, ग्राफिक कार्ड में भी इसमें पीसी में हम लोग ने दो ऑप्शन रखे, तो अभी जो 99,000 वाला बिल्ड है उसमें हम लोग ने प्रेफर किया RTX 3060 12GB के साथ आएगा, और 650W का पावर सप्लाई है 80+ ब्रॉन्ज सीरीज का। ठीक है, ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग है 26,500 रुपीज, और पावर सप्लाई की प्राइसिंग है 4000 रुपीज। पूरा पीसी बिल्ड आपको पड़ जाएगा 99,000 रुपीज में, इंटेल बिल्ड की बात कर ली मैंने। ठीक है, और बाकी सब कॉम्पोनेंट एज इट इज रहने वाले, खाली प्रोसेसर और मदरबोर्ड चेंज होने वाला है, जो की Ryzen की तरफ से आने वाला 7700X प्रोसेसर है। ठीक है, तो उसकी प्राइसिंग है 28,500 रुपीज, और इसका जो मदरबोर्ड है B650 प्रो सीरीज का है। ठीक है, MSI का वाईफाई के साथ आएगा, ब्लूटूथ भी रहेगा, उसकी प्राइसिंग है 16,000 रुपीज। बाकी सबके प्राइसिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, इसमें भी 3060 के साथ ही मैंने बताया है, इसकी भी प्राइसिंग 99,000 रुपीज है। अच्छा, ये भी 99,000 में मिल जाएगा। तो अगर आपको इंटेल में जाना है तो इंटेल का बिल्ड आप ले सकते हो, अगर AMD पसंद है तो भाई AMD का ले सकते हो। सभी जितने भी आप ये प्राइस बता रहे हो इंक्लूडिंग
जीएसटी सब प्राइसिंग इंक्लूडिंग जीएसटी, और मेरे हर बार प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी बताए। तो जैसे कि ये मैंने बता दिया 3060 के साथ आपको जा रहा है 99,000 रुपीस में, ठीक है। इसमें एक दूसरा भी ऑप्शन रखा हम लोगों ने, जो कि आरटीएक्स 3060 टीआई के साथ किसी को जाना हो, ठीक है, तो 3060 टीआई के साथ भी अवेलेबल है। जैसे कि 26,500 रुपीस प्राइस था 3060 का, ठीक है, तो 3060 की टीआई की प्राइसिंग है 34,000 रुपीस, ठीक है। तो 3060 टीआई के साथ भी आप जाओगे तो पूरा पीसी बिल्ट आपको पड़ेगा 1,05,000 रुपीस में, 1,05,000 में, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3060 टीआई, हां वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अभी इसमें क्या कस्टमाइजेशन कराना है, अपने हिसाब से कराना है तो वो भी हो जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट तो इसका 1,07,000 जाता है, बट ठीक है, वो ओवरऑल डिस्काउंट करके 1,05,000 तक 3060 टीआई के साथ मिल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टोर पे विजिट करता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट, वो तो ठीक है, वो पर्सनली देख लेगा, हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, हमने यहां पे बात की थी 1,00,000 के पीसी बिल्ड के बारे में, तो अभी नेक्स्ट पीसी बिल्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें हमने थोड़े और कंपोनेंट्स बढ़ा दिया, अगर आपका बजट बढ़ रहा है तो बेस्ट पीसी बिल्ड आपके लिए ये हो सकता है, तो इसके बारे में बताइए। तो नेक्स्ट जो पीसी बिल्ड है ये वाला i7 और Ryzen 9 के साथ मैंने बनाया, ठीक है। तो i7 के साथ जो है i7-13700K सीरीज का प्रोसेसर यूज किया है मैंने, जिसकी प्राइसिंग है 37,500 रुपीस। मदरबोर्ड जो यूज किया है Z790UDX गीगाबाइट की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड है, जिसमें वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों मिल जाएगा आपको। 23,500 का ये बोर्ड आएगा। DDR5 रैम यूज की है 16x2 32GB 5200 मेगाहर्ट्ज की, जिसकी प्राइस है दोनों स्टिक की 8,000 रुपीस और सिंगल स्टिक आपको पड़ेगी 4,000 रुपीस में, ठीक है। 1TB की इसमें SSD है Gen 4 XPG के तरफ से आने वाली, जिसकी प्राइसिंग है 5,000 रुपीस, ठीक है। ATX कैबिनेट यूज किया Anti-Sports की तरफ से आने वाला विद 4 ARGB फैन है, मैंने ये यूज किया। आपको अगर 4,000 के रेंज और कोई भी पसंद आए आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। मतलब बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारी चॉइस है, जो भी आप लेके आओगे हो जाएगा। कैबिनेट में तो काफी ऑप्शन है। ये 1000 की रेंज का कीबोर्ड माउस ऐड किया हुआ है, जो कि एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला है, ठीक है। इसमें 360mm कूलर भी है, गेम डीएस की तरफ से आने वाला 360mm का लिक्विड कूलर मिल जाएगा, जिसकी प्राइसिंग है 7,000 रुपीज। और ग्राफिक कार्ड जो यूज किया RTX 3060 Ti यूज किया है गीगाबाइट का, और भी अदर ब्रांड्स भी आपको चाहिए मिल जाएगा, इसकी प्राइसिंग है 34,000 रुपीज। Yes, तो पूरे पीसी बिल्ड की कॉस्ट क्या हुई अभी? और 750 वॉट का पावर सप्लाई भी डाला हुआ है, 80 प्लस ब्रॉन्ज सीरीज है विद RGB पावर सप्लाई। पूरे पीसी बिल्ड की इसकी प्राइसिंग है 5,000 रुपीज। पूरे पीसी की अगर मैं बात करूं तो 1,25,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 1,25,000 में विद इंक्लूडिंग टैक्स, विद इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। और इसमें दूसरा ऑप्शन मैंने रखा है Ryzen के साथ, जिसमें बाकी सब कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। Ryzen का जो प्रोसेसर है Ryzen 9 7900X सीरीज का प्रोसेसर है, और मदरबोर्ड जो यूज किया X670E Pro RS सीरीज का ASRock की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड है, इसमें भी वाईफाई ब्लूटूथ दोनों मिल जाएगा आपको। इसके प्रोसेसर की प्राइसिंग की बात करूं तो 37,500 और मदरबोर्ड 23,500 रुपीस। ये भी आपको सेटअप विद Ryzen 125 में मिल जाएगा, 1,25,000 में। अगर आपको इंटेल में जाना है तो AMD में जाना है, जो भी आपको पसंद आता है वो लेके जाओ, वो आपका कॉल है, ठीक है। और अपने हिसाब से अगर कुछ कस्टमाइजेशन कराना है प्रोसेसर मदरबोर्ड या कुछ भी चेंज क्लियर कर लेता हूं, जो भी आप चेंजेस करवाओगे, जो भी डिफरेंस रहेगा, कम रहा तो कम, ज्यादा रहा तो ज्यादा, वो आपको पे करना ऑब्वियसली। हो तो अगर आप कम रेंज का मदरबोर्ड लेते हो या प्रोसेसर लेते हो तो कम होगा, अगर ज्यादा लेते हो तो ज्यादा बढ़ जाएगा, वो बस वही बात है। दूसरा ऑप्शन ये रखा है हम लोग ने कि 3060 Ti छोड़ के, जो कि अभी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, 3070 Ti, ठीक है, 40 सीरीज आने के बाद, क्योंकि 40 सीरीज के प्राइस काफी ज्यादा है 4070 Ti के। तो दूसरा ऑप्शन है 3070 Ti के साथ भी अगर आपको जाना हो तो i7 पीसी बिल्ट आपको पड़ जाएगा 1,40,000 में। ग्राफिक कार्ड 3070 Ti की प्राइस है 49,000, जो कि ट्रिपल फैन कार्ड आएगा, ठीक है। और Ryzen में भी सेम प्राइस है 1,40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज, ठीक है। तो अभी जो भी 3070 Ti वो ट्रिपल फैन है, ठीक है, फिर से रिपीट कर लेता हूं, तो भाई अगर 4000 सीरीज में आपको कराना है तो आप उसमें चेंज करा सकते हो। तो ये जो बिल्ट है i9-13 जनरेशन के साथ और Ryzen 9 7900X 3D प्रोसेसर, आपने सुना होगा Ryzen के तरफ से आने वाला न्यू प्रोसेसर है, ठीक है। तो i9 का मैं पहले पूरा सेटअप बता देता हूं। i9 जो 13900K सीरीज का प्रोसेसर है, जिसकी प्राइसिंग है 53,000 और मदरबोर्ड जो इसमें यूज किया है Z790UDX विद वाईफाई ब्लूटूथ का बोर्ड है, जिसकी प्राइसिंग है 25,000 रुपीज, ठीक है। इसमें जो रैम है 32GB 16x2 XPG की 5200 मेगाहर्ट्ज DDR5 रैम यूज की है, जिसकी प्राइसिंग 8,000 रुपीज। 1TB Gen 4 SSD है XPG की, जिसकी प्राइसिंग है 5,000 रुपीज। ATX गेमिंग कैबिनेट है 4 RGB फैन के साथ है, अभी ये मैंने ऑप्शनल रखा है, जो भी आपको एज पर चॉइस डालना आप डाल सकते हो। 1 कीबोर्ड माउस है 1,000 की रेंज का, 360mm इसमें भी लिक्विड कूलर लगा है। इसमें जो ग्राफिक कार्ड है RTX 3070 Ti ट्रिपल फैन
ऑप्शन के साथ है। MSI गीगाबाइट दो ब्रांड ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, जिसकी प्राइसिंग है 49,000 रुपीज, ठीक है। लिक्विड कूलर की प्राइस नहीं बताई मैंने, 7,000 का लिक्विड कूलर है, ठीक है। और पावर सप्लाई जो इसमें यूज किया, 850 वॉट 80 प्लस गोल्ड सीरीज का पावर सप्लाई। ये पूरे पीसी बिल्ड की अगर मैं बात करूँ तो 1,60,000 रुपीज जाएगा। 1,60,000 में मतलब i9 के साथ बिल्ड हो जाएगा, विद 3070 Ti जनरेशन विद 3070 Ti। ओके, तो अभी 4070 के साथ में बात करते हैं, नहीं पहले AMD के बारे में बात करते हैं। वो राइजन सीरीज के साथ है, राइजन 9700X3D, ठीक है। वो प्रोसेसर भी काफी अच्छा है, आप जा सकते हो, 53,000 का प्रोसेसर। मदरबोर्ड जो है X670E गेमिंग एक्स गीगाबाइट की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड है। ये भी पूरा बिल्ड जाओगे विद 3070 Ti, जैसे कि मैंने पूरा स्पेक्स तो बता ही दिया, i9 के साथ वही सेम स्पेक्स रहेगा। इसकी प्राइसिंग आपको आ जाएगी 1,60,000 रुपीज। 1,60,000, तो दोनों बिल्ड मतलब 1,60,000 में आपको ये कंपोनेंट मिलने वाले हैं। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो लेके जाओ। अच्छा लगे और नहीं भाई किसी को जाना है 40 सीरीज के साथ, तो भाई 10,000 का डिफरेंस है। 4070 RTX 4070 के साथ भी जा सकते हो। ग्राफिक कार्ड की प्राइस है 59,000 रुपीज, ठीक है। तो पूरा पीसी बिल्ड विद इंटेल i9 13 जनरेशन जाना आपको तो 1,70,000 पड़ेगा, और सेम 170 में आपको राइजन के साथ भी मिल जाएगा, राइजन 9 के साथ में मिल जाएगा, राइजन 9 के साथ। और वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप 4080 डालना है, 4090 डालना है, 4090, 4060, 4060 Ti, 4060 तो हाल में आया नहीं है, बट वो भी आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारा 1,60,000 एंड 1,70,000। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो में हमने सभी जो हमारे बिल्ड थे उनकी प्राइसिंग के बारे में बात की, सभी कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया, ठीक है, एक एक कंपोनेंट के बारे में प्राइसिंग के बारे में बात की। तो अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना वो भी हो जाएगा, जो भी, बस इसीलिए बोला गया था कि 1,00,000 से 2,00,000 तक, अभी 1,00,000 से 70,000 तक का तो हमने बता दिया, बाकी 30,000 जो बचा आप बता देना, ठीक है, वो आप कमेंट में बता देना, आपको प्राइस वगैरह बता देगा। आप व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो या विजिट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। और भाई कैबिनेट के बहुत सारे ऑप्शन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये तो 4,000 में एक ऑप्शनल रखा है, बाकी जो भी आप मॉडल बताओगे या हमारे पास भी जो जो डिस्प्ले में लगे हुए हैं हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी स्टोर का एड्रेस है नंबर मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो।